हाँ तो बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने मोल कॉन्सेप्ट का एक लेक्चर आपको दे दिया है और आज मैं एक दूसरा लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ बेटा मोल कॉन्सेप्ट का। जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यदि कोई गिवन मास आपको दे रखा हो तो आपसे मोल पूछा गया है तो अपन मोल कैसे निकालते हैं। और आज दूसरा टाइप बढ़ाऊँ, यदि आपको कोई सैंपल दे रखा हो जिसमें आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटसेट्रा, तो उसे हम किस प्रकार से आज निकालेंगे। तो आज हम सेकंड टाइप की बात करेंगे बेटे और उस पर करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, आइए दिखाते हैं बेटे। तो टाइप नंबर टू की बात मैं आपसे करूंगा आज, टाइप सेकंड। देखिएगा जो टाइप सेकंड है उसमें क्या है, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन, मतलब पार्टिकल का मतलब ये है आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटसेट्रा हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ, भाई हमने पढ़ा है कि वन मोल का जो वैल्यू होता है वो इतना होता है बेटा, ठीक है, ओके। अब लेकिन इनटू इसमें कितना होगा, वन मोल होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, और वन में कितना होगा बेटा, ये आप आराम से निकाल सकते हैं, कितना बताइए, वन बाई 23। पूछा कितने बार है, एन में, तो 1 इंटू एन डिवाइड बाई इंटू 10 की पावर 23, मतलब है कि नंबर ऑफ मोल अपन निकालेंगे बेटा एन वाई एन ए, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। एन ए का वैल्यू कितना है, इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, तो ये हमारा सेकंड टाइप था कि अपन इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है। जो पार्टिकल में क्या होता है, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटसेट्रा हो सकते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि आपको वन मोल दे रखा है इतना, इतने में वन मोल, वन में कितना और एन में कितना। तो ये एन का फॉर्मूला है जिससे हम लोग निकालेंगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते रहेंगे, इसके बारे में बताते रहेंगे आपको, ठीक है, आप लोग नोट करते रहें। अब इसके ऊपर करते हैं अपन न्यूमेरिकल्स, ठीक है, चलिए इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल, कोई सैंपल आपको दिया गया है और सैंपल में आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ध्यान देंगे मेरी बात पर, द कैलकुलेशन ऑफ मोल
इन 6.022 इंटू 10 की पावर 26 या 25 ले लो एटम्स इन हीलियम। आपको तो निकालना है कि द कैलकुलेशन ऑफ मोल्स इन 6.022 इंटू 10 की पावर 25 एटम इन हीलियम। बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा, तो आइए शुरू करते हैं। आपको n का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना है, 6.022 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स दे रखे हैं। Na का वैल्यू हम जानते हैं कितना है, 6.2 to 10 की पावर 23 और नंबर ऑफ मोल्स अब निकालेंगे तो गिवन पार्टिकल डिवाइड बाई Na, तो इसमें हमें दे रखा है 10 की पावर 25 23, ये तो कट गया, बोलो भैया, तो 10 की पावर कितना बचा, 2 मोर आंसर। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्वेश्चन करेंगे और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो अपन पूछते रहेंगे, कर लेंगे बेटा आसानी, बोलो है जी, गुड। चलिए सेकंड क्वेश्चन करता हूं आपके लिए कुछ नया। क्या है कि अपन को कोई भी दिया गया हो, जैसे माना मान लेते अपन कि फाइंड आउट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन 3.011 इंटू 10 की पावर 25 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ये सवाल है। ठीक है बच्चे, तो फाइंड आउट ऑफ करना है नंबर ऑफ मोल्स इन इतने मॉलिक्यूल ऑफ O2 में, तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखा है कितना है, 10 की पावर 25, वेरी गुड, और एवोगैड्रो नंबर कितना है, 23। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो 3.011 इंटू 10 की पावर 25 ई कट जाएगा, कितना आया, 1/2 इंटू 10 की पावर 2, आया नहीं आया, तो ये आ गया 0.5 इंटू 10 की पावर 2, कर लेंगे आसानी से, पक्का बताओ बेटा, कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं आएगी, बोलो है जी, कर सकते हैं, कहीं सर कोई दिक्कत नहीं आपको आनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो बेटा कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 1.5 इंटू 10 की पावर 25।
अब बताइए मैं एटम लूं, मॉलिक्यूल लूं, क्या लूं? सर आपकी मर्जी है, आप ले सकते हैं कुछ भी। चलो मॉलिक्यूल ले लेता हूं। ऑफ NH3। अब सीधी सी बात यह है, नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब कि आपको N दे रखा है, N केवल नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दे रखा है, N कितना दे रखा है, 1.5×10^25 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, जो भी है चलो दे रखा है। और Na का वैल्यू कितना है, इतना है। आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पूछे, तो फॉर्मूला आप जानते हैं, दिए कितना रखा है, 1.5×10^25 डिवाइड बाई 10^23। ठीक है, इसे आप काट सकते हैं अपने हिसाब से, देख लेना आप लोग कि यहां से जीरो गया तो एक ऊपर आ जाएगा, तो ये कट जाएगा लगभग 1/4 जाएगा बेटा मेरे हिसाब से तो। और 10^ आना चाहिए कितना, 2। ठीक है, इसका डिवाइड करो इसमें, 0.25×10^2, तो ये टोटल आ जाएंगे 25 मोल्स आने चाहिए। इसका आंसर आप ये भी कर सकते हैं, इसका आंसर आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे, कहीं भूलेंगे तो नहीं। आप लोग नोट करिए क्वेश्चंस जल्दी फटाफट, नोट करते रहेंगे आंसर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। देखो कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये 11th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन इजी कराऊंगा, इजी से हाई लेवल ले जाऊंगा बेटा, इजी से हाई लेवल ले जाऊंगा। प्लीज़ आप नोट करते रहें हैंड टू हैंड, और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करते रहें, फ्रेंड पे भेजते रहें, ठीक है, ओके। मैं आपको प्रॉपर लिखाऊंगा बेटा, मेरी ऑनलाइन क्लास शुरू करूंगा मैं, डोंट वरी। चलिए, नो प्रॉब्लम। अब यहां से अपन को मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, है ना, मास निकालेंगे, फाइंड आउट ऑफ मास, तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको लिख के दे रहा हूं जो अपन को याद रखना है। ठीक है, मास तो निकालना है, मतलब अपन को इसमें निकालना है W। मेरी बात ध्यान से ना, हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि N बराबर W/M, एक लिखा था मैंने कि NyNa, और यहां से टोटल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा W/M बराबर NyNa। इस फॉर्मूले से मास निकाल लेंगे बेटा, इस फॉर्मूले से हम लोग भाई W क्या है हमारे पास, देखो जो W क्या है, गिवन मास या जो भी हमें दिया गया होगा, मास निकालना ना अपन को, है ना। M क्या है, मोलर मास, जिसको ग्राम एड मास भी कहते हैं। ठीक है बेटा, N क्या है, कोई पार्टिकल है, ठीक है, और Na क्या है बेटा, एवोगैड्रो नंबर है। ओके, इन पर क्वेश्चन करेंगे अपन तरीके से, यहां से मास फाइंड करेंगे, और मास फाइंड करते करते अपन ले जाएंगे सवाल पे आगे बेटा। चलिए, तो यहां से मास फाइंड करते हैं अपन,
मास निकालने का भी तरीका है, तो क्वेश्चन बेटा ये फॉर्मल रब कर लूँ? चलिए ठीक है, गुड, आप लोग करते रहेंगे अच्छे तरीके से बेटा, डोंट वरी। यहाँ से अपन मास फाइंड करेंगे क्वेश्चन का। चलिए हमें क्या दे रखा है, हम पहले मास फाइंड करेंगे। तो आइए क्वेश्चन पहला कराता हूँ मैं आपको समझने के लिए कि फाइंड आउट मास इन, अब क्वेश्चन कुछ ऐसा लो जिससे कि आराम से फाइंड कर सकते हो, इन 6.022 × 10⁻²⁵ ही ले लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मॉलिक्यूल इन O2 मैं तो ले लिया, मेरे को मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मैं मास फाइंड करना था, जो फॉर्मूला हमारे पास था वो क्या था कि डब्लू वाई एम बराबर एन डिवाइड वाई एन। अब देखो बेटा मेरी बात, सबसे पहले अपन लिखेंगे मोलर मास, मोलर मास ऑफ O2। भाई एक O का होता है 16, तो टोटल कितना आ गया 32 ग्राम। पक्का? बिल्कुल सही सर, नो प्रॉब्लम। N अपन को दे रखा है कितना 25। N A का वैल्यू हम जानते हैं कि 6.022 × 10⁻²⁷। ओके, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि लगा दो बेटा फॉर्मूला यहां पर, W तो हमें निकालना है ना, ये दे रखा है कितना 32 बराबर, इसकी वैल्यू हमें पता ही, × 10⁻²⁵ डिवाइड बाई 23। ये क्वेश्चन है, यहां से हमें अपन को क्या निकालना है बेटा, डब्ल्यू निकालना है। बोलो कैसे निकालना है, डब्ल्यू निकालने के लिए हमें क्या करेंगे बताइए। तुम में से कोई बेटा जानता है क्या डब्ल्यू कैसे फाइंड किया जाता है? बोलो भाई, इसे सर काट लेना, क्या दिक्कत है, काट लो, कट गया साहब, ये तो एक आ गया, यहां पर क्या बचा 32 × 10⁻²। तो इस प्रकार से हम इसका मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि सर करें कैसे, ये तो कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। ठीक है बेटा, तो इसका हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राम। ठीक है बेटा, आप गुणा भाग कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान कर सकते हैं मल्टीप्लाई वगैरह। ओके, तो ये हमने निकाल लिया इसका मास। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, आइए रब कर दूं। चल ठीक, अभी मास क्वेश्चन कराऊंगा दो चार और। वाइस एटम्स ऑफ हीलियम, ये है मेरे पास। ठीक है, देखो आपको मोलर मास तो पता होगा ना ऑफ हीलियम कितना होता है 4 ग्राम। ठीक है, वेरी गुड। और नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है बेटा बताओ,
एटम, वेरी गुड। और एलो कहते तो नंबर कितना है, मतलब कि एन ए कितना बेटा, फॉर्मूला क्या है, एन ए, ठीक है बेटा। तो ये तो निकालना ही, ये कितना है फोर, एन ए कितना दे रखा है कट जाएगा ना, क्या हो जाएगा वन बाई टू। तो यहां से अपन W को यूज कर लेंगे, कितना है बेटा वन बाई टू, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ कितना है फोर। देखो अब यहां से अपने क्या निकालना है, W निकालना है केवल। तो इसके बाद देख लो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कट जाएगा वन बाई टू, और देखो यहाँ पे ऊपर जाएगा ये, यहाँ कितना है 22, यहाँ कितना है 23, ठीक है। अब यहां से देखो यदि हम इसको सॉल्व करें तो 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, 0.5 आ जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 1। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या था कि W/4 इक्वल कितना था 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 1। W निकालना है, एक मान ले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बोलो भाई। तो 4 इंटू 0.5 इन 10 की पावर माइनस 1, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे आराम से हम लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने आज आपको मास भी सिखा दिया कि मास कैसे निकालते हैं, डरना नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज से, तो अपन मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट करिए क्वेश्चंस, ठीक है बेटा, हो गया, ओके ओके। चलिए चलिए अगर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन मेरे पास भी हैं, ठीक है, ओके। कुछ क्वेश्चन बेटा मेरे पास भी हैं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आइए देखते हैं कैसे करते हैं आप लोग, कि फाइंड आउट एक क्वेश्चन अच्छा है, मास ऑफ मास इन 1.5 इंटू 10 की पावर 26 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 इन केजी, ये केजी में निकालना है बेटा, ठीक है। तो नंबर ऑफ, या सबसे पहले मोलर मास निकाल लो, मोलर मास ऑफ SO2, तो S का 32, O का तो 64 ग्राम आ गए, ठीक है, वेरी गुड। नंबर ऑफ पार्टिकल Na का, N का जो वैल्यू है वो कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर 26, ओके। Na मतलब कि एवोगैड्रो नंबर है हमारा, एवोगैड्रो नंबर Na बराबर है, वो सब बच्चों को याद भी रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर्मूला हम लगा देंगे कौन सा, W/m इक्वल NyNa। आइए शुरू करते हैं, ये तो हमको निकालना है ना, m दे रखा है 64 और ये दे रखा है 1/4 इंटू 10 की पावर 26 डिवाइड बाई इंटू 10 की पावर 23। तो ये कट सकता है, कोई इजीली है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, बोलो ये हो सकता है आराम से। तो जो
W की जो वैल्यू आनी चाहिए भाई 1/4 से कट जाएगा 64, कितना आ गया 16×10³, मतलब है 1600 ग्राम। वैल्यू पूछी किसमें, केजी में, तो केजी में पूछी है 1600 या 1000 डिवाइड बाई 1000, तो ये वैल्यू किस में आ गया बेटा, केजी में। ठीक है, तो ये आप आराम से कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ओके, इस प्रकार क्वेश्चन भी हैं आपके लिए, है ना, कर लेंगे बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड, चलो रफ करें। चलिए एक क्वेश्चन और है मेरे पास आपके लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको 4 पॉइंट ये क्वेश्चन दे रखा था मेरे पास, ये बुक में क्वेश्चन दे रखा था मेरे पास कि 4.8 ग्राम दे रखा है, 4.8 ग्राम ओजोन सैंपल दे रखा है। ध्यान रखना बेटा, क्या है इंपॉर्टेंट सवाल है बुक का कि 4.8 ग्राम क्या दे रखा है, ओजोन, ओजोन दे रखा है। ठीक है, सैंपल इज गिवन, इज गिवन, फाइंड आउट, पहला क्या पूछा उसने आपसे, पहला पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। वेरी गुड सवाल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। दूसरा क्या पूछा है उसने भाई आप लोगों से, नंबर ऑफ एटम्स पूछे, नंबर ऑफ एटम्स पूछे। जब ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें आपको ग्राम भी दे रखा है, ओजोन भी फॉर्मूला दे रखा है। बेटा ओजोन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है O3, कितना O3। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल, तो ये दे रखा है हमें 4.8 और इसका होता है मोलर मास कितना 48, ये हो जाएगा जीरो बढ़ जाएगा इधर, तो ये कट जाएगा ना 1/10 आ जाएगा। अब 10 का भाग इसमें कर दो आप तो 0/ है ना लगभग 1 आ जाएगा मेरे हिसाब से, आप चेक कर लेना, इतना ही होना चाहिए है ना। मोल्स ऑफ O3, क्योंकि ये निकालना बहुत जरूरी है, ये आप नहीं निकालेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, दैट्स फाइनल। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी, जब ये नहीं करेंगे तो काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल पूछा मतलब उसने Na पूछा है आपसे, अब फॉर्मूला क्या है कि N बराबर NyNa, ये पता है 0.1 N निकालना है, Na का वैल्यू हम जानते हैं 23, बोलो भाई। तो यदि हम ये चाहें तो इसको ना लिख के आप Na भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, बोलो यस। तो इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं N का मान, लेकिन हम ज्यादा लंबा रामायण करें नहीं। अब अपन को N पूछा है, 1 मान लूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो N का जो वैल्यू आएगा 0.1 × Na आ जाएगा, आया ना, बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ, किस किस का क्लियर नहीं हुआ, सबका हो गया मेरे हिसाब से। दूसरा उसने पूछा है, ए तो मैंने निकाल दिया ना, बी उसने पूछा है आपसे टोटल एटम्स कहते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए नंबर्स ऑफ एटम गिन लो कितने, ओजोन में एटम कितने होते हैं बेटा, बोलो भाई ओ के कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 है कितने, हाँ सर मोल्स आपको पता है,
तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3 इंटू मोल कितना है 0.1 और एल कितना, मतलब आप चाहो तो उसे पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर आप इसे इस प्रकार से सॉल्व भी कर सकते हो कि इसका मल्टीप्लेस में कर दो, 3 बन जा 3 इतना आ जाएगा लगभग, क्यों इंटू एन, ये भी सवाल हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन किसी प्रकार से, आंसर किसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। भाई आपसे इतने ग्राम ओजोन सैंपल दे रखा है, आपसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, सेकंड पूछा नंबर ऑफ एटम्स। जब आपको मोल्स नहीं दे रखे हैं, सबसे पहले आप फाइंड कर लो मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने कितना आ गया, 0.1 मोल्स ऑफ O3। जब आपने मोल्स निकाल लिए तो हमें पार्टिकल निकालने में कोई दिक्कत नहीं, पार्टिकल का फॉर्मूला ये था। एटम्स पूछे, एटम कितने होते हैं, 3। भाई 3 तो ऑक्सीजन है, 3 एटम होते हैं, आपने ये मोल है और ये अवोगाड्रो नंबर निकाल लिया। हाँ ना बताओ, नोट करिए क्वेश्चन, वेरी गुड, रब कर दें। चलिए ओके ओके ओके, अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको कोई ग्राम में वैल्यू दे रखी सैंपल में और वो आपको निकालना है। जैसे माना मेरे पास कोई क्वेश्चन है, जैसे कि मान लेता हूं कि चलो निकाल लेते हैं, मुझे दे रखा है 132 ग्राम, कोई सैंपल दे रखा है, लेकिन अब मैं किस का लूँ, तो इसमें लगभग इजी करने के लिए मैं ले सकता हूँ CO2 कितना हो जाएगा, 44, तो इसमें अपन ले सकते हैं, चलो ग्राम ऑफ, मैं तो CO2 ले रहा हूँ। अब अपन को फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट नंबर ए। देखो भाई आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है कि सर क्या क्या निकालें, भाई वो नंबर ऑफ मोल्स भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, बी नंबर ऑफ टोटल एटम पूछ सकता है, मर्जी उसकी, सी नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछ सकता है, डी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2 पूछ सकता है। ठीक है ओके, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O2 या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ठीक है, चलो O2 कर लो आप, ऑक्सीजन में एक कर रहे तो O2 कर लेते, डोंट वरी ऑक्सीजन। तो सबसे पहले अपन को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो कितना दे रखा है 132 ग्राम दे रखा है, मोलर मास होता है 44 ग्राम पर मोल, तो इससे कट जाएगा, इससे आप इसे काटिएगा तो एन का वैल्यू बताइए काटे कितना आया, जल्दी करिए बेटा आंसर फटाफट। नहीं कटा क्या, अब तो कटना चाहिए था भाई, मैं काटता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आइए 2 से काट लें उसको, तो लगभग 66 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 22, तो ये बेटा कितना आया, 3 मोल्स आया है। हाँ ना बताओ, आपसे बी पूछा है, ए तो निकाल लिया, बी पूछा है आपसे नंबर ऑफ टोटल एटम्स, तो जो CO2 है उसमें कितने 3 है,
मोल्स आपको पता है, मल्टीप्लाई क्या करना है एन ए का, हाँ ना बताओ। तो टोटल एटम्स उसने पूछे हैं, तो 3 × मोल कितने हैं, 3 × Na, तो कितना है 9 × Na, हो गया सवाल साहब। और सी क्या पूछा उसने, टोटल नंबर, टोटल ऑफ कार्बन एटम, एक ही तो है ना, एक ही तो बेटा, तो वो भी निकाल लेंगे अपन, 1 × 3 × Na कितना आया 3 Na, ठीक है। डी क्या पूछा है उसने भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन O2, भाई सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है ना, डोंट वरी, किसने पूछा है, ऑक्सीजन में, भाई हमारे एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में कितने हो गए 16, तो 16 × 3 आपको है × Na, और वो केवल एक पूछता तो 8 × 3 तो कितना है 48 Na, इस प्रकार से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी निकाल सकते हैं यहां से। तो हमने आज बताया आपको कि इसका मास कैसे निकालते हैं। देखो मास निकालने के लिए हमें कोई भागना नहीं पड़ता है, मास निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं घर से करने के लिए, इसे आपको करना है, अभी मास ही पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 12.8 ग्राम ऑफ SO2, 12.8 ग्राम ऑफ SO2 इज गिवन, फाइंड आउट नंबर 1, क्या क्या पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन लिख लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2, लिखो बेटा नंबर, लिख लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2। बी क्या पूछ सकता है आपसे, नंबर ऑफ टोटल एटम्स इन SO2, पूछ सकता है मर्जी उसकी। अगला क्या है, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन SO2। डी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2। ई, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ SO2, कुछ मर्जी उसे, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, कुछ भी पूछ सकता है। नंबर ऑफ एटम ऑफ O2,